देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर से ना ज्यादातर क्या क्वेश्चन आएगा, या तो आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। दूसरा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करेगा आपको सर्टेन आइटम्स लिख के दे देगा और बोलेगा क्लासीफाई करो कि बैलेंस शीट में इसको आप कहाँ दिखाओगे, इज इट क्लियर, कौन सा हेड्स होगा और सब हेड्स होगा, सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी एक बेसिक सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें बोलेगा ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी भी बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने के लिए नहीं आएगा विथ फिगर्स। विथ फिगर्स यदि पूछा तो उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही पूछेगा एंड वो सिंप्लीफाइड तरीके वाला पूछेगा, ज्यादा कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह उसमें नहीं होगा। बस ये तीन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तुम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनता है। पहला कैटेगरी फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हो गया तुम्हारा हेड्स एंड सब हेड्स, एंड द थर्ड कैटेगरी इज विथ फिगर्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने के लिए आ सकता है। हाँ एक छोटा सा हो सकता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्मेट के बीच में कहानी पूछ ले आप लोगों से कि हॉरिजेंटल में क्या है वर्टिकल में क्या है, या फिर नया शेड्यूल 3 क्यों आया और किस लिए आया, इज इट क्लियर। तो उसके अलावा फाइनेंशियल चैप्टर से मुझे नहीं लगता कोई और क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, क्लियर। अब देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को हमेशा ध्यान रखना जब भी आपसे फॉर्मेट पूछेगा, फॉर्मेट जब पूछता है ना, फिर से बोल रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड फॉर्मेट। फॉर्मेट को मॉडिफाई किया जा सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो चल जाता है, बट यदि फॉर्म होता ना तब ऊपर नीचे नहीं होता है, इट हैज टू बी इन सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में फॉर्म होता है। सपोज कल को मैं तुम लोग को एडमिशन फॉर्म देता हूँ तो एडमिशन फॉर्म में कॉलम्स ऊपर नीचे थोड़ी कर सकते हैं, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इफ डिटेल है तो आप भर दो वरना उसको ब्लैंक छोड़ दो, इज इट क्लियर। बट फॉर्मेट में क्या होता है, हम अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं तो जो चीज का इंफॉर्मेशन है ही नहीं हम उस लाइन को शो ही नहीं करेंगे। जब आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो और कोई सपोज समझ लो तुम्हारे पास में इस आइटम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, देन ऑटोमेटिकली अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी बी में आ जाएगा और ये सी बन जाएगा, है ना, तो इसको फॉर्मेट बोलते हैं। बट फॉर्म होता ना तब नंबर्स भी चेंज नहीं होता, ये ऐसा ही रहता, हम लोग इसको लिख के ब्लैंक छोड़ता, इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो फॉर्मेट पूछेगा उन लोग आपसे, तो आप सॉल्यूशन में क्या करेगा, पहले ऊपर लिखेगा कि ये शेड्यूल 3 का है। शेड्यूल 3 कौन सा पार्ट, शेड्यूल 3 में दो पार्ट है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 बैलेंस शीट के बारे में है और पार्ट 2 तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में है, इज इट क्लियर। तो पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट दिया हुआ है अपना, यहां तक क्लियर है। देन जब अपन बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएगा, शेड्यूल 3 ऊपर लिखना है, पार्ट 1 लिखना है, एंड देन कंपनी का नाम लिखना है। इफ क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ तो यू राइट इट एज एबीसी लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि हम ये फॉर्मेट जो है सिर्फ कंपनीज के लिए बनाता है, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ आप चाहो तो उनके लिए भी ऐसा बना सकते हैं प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाने के लिए, बट जरूरी भी नहीं है, वहां पे टी शेप चलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, टी शेप का कहानी चलता है, बट वेयर एज इसमें क्या होगा, टी शेप नहीं चलता। इसमें जो ये फॉर्मेट है, ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट है या वर्टिकल है, वर्टिकल फॉर्मेट है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फॉर्मेट एंड टी शेप फॉर्मेट क्या है, इसमें बेस्ट चीज क्या है जो टी शेप में नहीं था, कंपेरेबिलिटी बिटवीन 2 ईयर्स फिगर, दोनों साल के फिगर को हम सामने कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यूनिट 1 में कितना आया और यूनिट 2 में कितना आया टेस्ट में, तो यदि दोनों एक ही मार्कशीट में तो कितना इजीली हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस जज करना इजी हो जाए तो कंपेरेबिलिटी बेस्ट है। अब जब आप फॉर्मेट बनाओगे इसका, तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है और एक कॉलम नोट्स का रहेगा ही रहेगा, जैसे आप जर्नल में लेजर फोलियो बनाते थे और लेजर्स में जर्नल फोलियो बनाते थे ना, उसका तो वैसे कोई काम नहीं है, वो कभी कभी गायब भी हो जाए ना फॉर्मेट से तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन केस ऑफ ए फॉर्मेट ऑफ ए बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ये कॉलम रहेगा ही रहेगा, बिकॉज नोट्स के बिना बैलेंस शीट बन ही नहीं सकता, नोट्स के बिना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बन ही नहीं सकता। बिकॉज अब हम लोग क्या करता है, कोई भी कैलकुलेशन बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करता। यदि कल को आपसे पूछे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना रुपए का है, तो तुम बोलेगा मेरा कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग सपोज 10 करोड़ का है। अब आपको जानना है इस बोरोइंग्स में
किसने किससे बोरो कर रखा है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर आइटम का नोट नंबर में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कौन कौन है। इज इट क्लियर? तो नोट्स, ये नोट्स बेसिकली क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट नंबर है कि किसी भी यूजर को डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना है। जैसे कि सपोज अपन यहां लिख देगा शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल लिख दिया। अब किसी को जानना है शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है, या कंपनी का कितना ऑथराइज्ड है, किसको किसको इशू कर रखा है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है या नहीं है, एंड इफ 5% से ज्यादा कोई शेयर होल्ड कर रहा है तो उसका भी डिटेल प्रॉपर प्रिसाइज तरीके से लिखा हुआ होता है। तब वो यूजर क्या करेगा, इस शेयर कैपिटल के नोट नंबर में जाएगा और जाके चेक कर लेगा कि किसका किसका लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? अब किसी को जानना है अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके नोट्स में जाना पड़ेगा, तभी जाके उसको समझ में आएगा। आप कभी भी जब धीरे धीरे बड़े बनोगे तो इन्वेस्ट करोगे पैसा। अब इन्वेस्ट क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट कंपनी के बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा को चेक करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब कोई जैसे कि बैंक के पास लोन लेने जाते हो, तो बैंक तुम्हारा चेहरा देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हाँ ऑब्वियसली बैंक आपकी गुडविल तो चेक करता है, बट स्टिल आपका बैलेंस शीट भी चेक करता है। अब वो बैलेंस शीट यदि आप सिर्फ ये फ्रंट पेज दे दोगे ना बैलेंस शीट का, तो काम नहीं चलेगा। आपने बोला ये मेरी लाइबिलिटीज है, ये मेरी एसेट्स है, कहानी खत्म। बैंक बोलेगा इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे चेक करना है तुमने पहले से किससे किससे बोरो कर रखा है, मैं तो तुम्हें नया बोरोइंग देने वाला हूँ, पहले किससे ले रखा है और क्या टाइम टू टाइम पे कर रहा था या नहीं कर रहा था, तो वो डिटेल तो चाहिएगा ना। बट वो सारा डिटेल तुम बैलेंस शीट में फेस पे तो लिख नहीं सकता। सो दिस इज बेसिकली द फेस ऑफ बैलेंस शीट। इसका जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो असली पार्ट होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है उसके अंदर में। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना है अपने को। हमेशा फॉर्मेट जब एग्जाम में पूछेगा शेड्यूल 3 लिखेंगे ऊपर। कौन से शेड्यूल 3 में? पार्ट 1 के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। कंपनी का नाम लिखोगे, देन बैलेंस शीट एज एट जो भी है 31 मार्च, जो ईयर क्वेश्चन बोलेगा वो ईयर, नहीं भी बोलेगा तो डॉट डॉट छोड़ के आ जाएगा हम लोग। क्लियर है? फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर का कॉलम, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अब ध्यान रखना, जब फॉर्मेट पूछे तभी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉलम चाहिए, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाए और उसके अंदर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर का फिगर्स नहीं है, देन अपने को प्रीवियस ईयर का कॉलम एग्जाम में नहीं बनाना। ठीक है? इफ एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए और उसमें प्रीवियस ईयर का फिगर्स नहीं दिया हुआ, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस कॉलम, सिर्फ करंट ईयर का कॉलम बनाने से हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो इस फॉर्मेट को क्या किया, पहले अपना टी शेप फॉर्मेट हुआ करता था। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप टी शेप बैलेंस शीट बनाते थे ऐसे, ठीक है, जिसमें इधर लिखते थे नॉन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स, देन इधर लिखते थे कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ऐसा ही कहानी होता था। पार्टनरशिप में भी यही करते थे, राइट? पार्टनर्स कैपिटल आ जाता था, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, यही होता था। अब चीजें यही है बट इन अ डिफरेंट वे। फॉर्मेट में क्या किया, इन सबको एक साइड में रख दिया पहले। अब इन सबको मिला के क्या नाम दिया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब क्या होता है, मालिक का पैसा। इक्विटी का मतलब होता है मालिक का पैसा, बेसिकली दिस। इक्विटी का मतलब मालिक का पैसा, बेसिकली ये वाला पैसा। एंड लाइबिलिटीज मतलब ये। अरे ऐसे होता है ना, नया नया एंगेजमेंट होता है तो हैशटैग ढूंढने लगता है, तो बेसिकली दिस इज हैशटैग। इन सबको, इन दो जोड़ियों को, तीन जोड़ियों को मिला के एक नाम तो देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने नाम रखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, क्योंकि ये इक्विटी है मालिक लोग का पैसा और ये लाइबिलिटीज है कंपनी का। तो यानी इस सबको सबसे पहले रखा और नाम दे दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? क्यों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रखा, क्योंकि जब अपन टी शेप फॉर्मेट पढ़ता था, टी शेप के अंदर में अपन तो हेडिंग क्या लिखता था, इधर इधर लाइबिलिटीज और इधर एसेट्स, राइट? बट कंपनीज एक्ट में जब फॉर्मेट डिसाइड किया गया, तो उन्होंने बोला अच्छी बात नहीं है, कुछ तो हैशटैग बनना चाहिए मिला के।
आप इसको भी लाइबिलिटी बोल रहे हो, इसको भी लाइबिलिटी बोल रहे हो, तो मालिक लोग बोलते हैं हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं। माना हम लोग लाइबिलिटी है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से, बट हमको कुछ तो वैल्यू करो, तो उनको अलग से रख दिया, दैट इज इक्विटी। ठीक है, आपका नाम अलग से दे देते हैं हम, एंड बाकी सारा लाइबिलिटीज को एक साथ में कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और एसेट्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये भी एसेट है और ये भी एसेट ही है आपका, तो इसीलिए इस साइड का नाम क्या रह गया, एसेट्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला गलती ये मत करना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पूरा लिखना है। अब कैपिटल में लिखोगे तो अच्छा, स्मॉल में लिखोगे तो अच्छा, बट अंडरलाइन वगैरह सुंदर से कर लेना। ठीक है, अब देखो यही तीन चीजों को, इन तीन चीजों को बांट दिया गया, इन तीन को कितना बना दिया, चार बना दिया। कैसे बनाया, कैपिटल यानी मालिक। अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी में मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इसीलिए हेडिंग क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड। फंड मतलब पैसा, यानी मालिक से रिलेटेड जो पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर का क्या क्या पैसा होता है, एक मालिक का बिजनेस में किस टाइप का पैसा होगा, एक होगा उसने जो एक्चुअल में बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिसको हम लोग बोलता है कैपिटल। ठीक है, जो एक्चुअल में उसने इन्वेस्ट किया है उसको हम लोग बोलता है कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल ही लिखा है, ऐसा नहीं लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो तो कुछ भी हो सकता है, और वो डिसाइड करना है तो फिर नोट्स नंबर में जाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो एक हो गया जितना पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है, सेकेंडली बिजनेस जैसे जैसे वर्क करेगा बिजनेस का प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट और रिजर्व्स भी किसका होता है, मालिक लोग का ही होता है ना, इसीलिए ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कम्स अंडर दिस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इसको किसके अंडर रखा, शेयर होल्डर फंड में, क्योंकि ये मालिक लोग का ही पैसा है। तो ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव वो इसके अंडर में ही आएगा। पहले अपन क्या करते थे पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस होता था तो लाइबिलिटी साइड में, नेगेटिव बैलेंस होने से एसेट साइड में ना, बट अब ऐसा नहीं करेंगे। इफ प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस भी है तो किधर दिखाएंगे, लाइबिलिटीज रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस करके दिखाएंगे। इज इट क्लियर? अब एसेट साइड में नहीं आएगा, ऑल द प्रॉफिट्स ऑल द रिजर्व्स ऑल द लॉसेस विल कम अंडर दिस ओनली। प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है तो पॉजिटिव फिगर है और लॉसेस है तो नेगेटिव फिगर करके आएगा। इज इट क्लियर? तो ये भी एक मालिक का ही पैसा है। तीसरा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, मतलब हमने मालिक लोगों को शेयर इश्यू ही नहीं किया बट हमने उनसे पैसा ले लिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया बट हमने उसको वारंटी दे दिया, शेयर वारंट दे दिया कि फ्यूचर में आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस पैसे के बदले में हम आपको शेयर्स दे देंगे। क्योंकि क्या होता है, कंपनी जितना नंबर ऑफ शेयर इश्यू करता है क्या उससे ज्यादा अलॉट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, राइट? तो जब इश्यू किया और जित सारा का सारा अलॉट कर दिया तो इन लोगों को बेचारों को कहां से शेयर्स देगा, तो इनसे पैसा तो ले लिया, बदले में इनको क्या दे दिया, शेयर वारंट दे दिया, एक तरह से कूपन दे दिया कि बाद में आके रिडीम करवा लेना और कंपनी के शेयर्स लेके चले जाना। तो ये भी मालिक लोग का ही पैसा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर है? एंड दुनिया का हर मालिक सबसे बेशरम होता है, उसके अंदर कोई शरम वरम नहीं है, यदि वो शरम करेगा तो धंधा कैसे चलाएगा। वो यदि एम्प्लॉय का लाचारी समझ ले, दुख दर्द समझ ले कि आज जल्दी जाना है, बीवी को मूवी लेके जाना है या फिर पति के साथ खाना खाने जाना है, तो चलेगा क्या, या फैमिली फंक्शन है बोलते पहाड़ में जाओ, टारगेट पूरा किया क्या, जो टारगेट है वो खत्म किया, मालिक चाहे खुद आए 11 बजे, एम्प्लॉय 9 का जगह यदि 9:15 बजे आ गया, हाफ डे लग जाएगा, सैलरी कट जाएगा, राइट? वो ये नहीं समझता कि ट्रैफिक जाम था, घर पे काम करके भी निकलना होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा बेशरम कौन होता है, मालिक होता है, यानी शेयर मालिक बोले तो शेयर होल्डर फंड इन केस ऑफ ए कंपनी, और उनको क्या नहीं है, शर्म नहीं है अपने को। तो दैट इज द शॉर्टकट टू रिमेंबर ऑल द थ्री हेड्स। एस आर एम, एस पर शेयर कैपिटल,
आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। क्लियर है, रहेगा, क्योंकि जब फॉर्मेट आएगा तब तो एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल्स में ऊपर नीचे चलता है बट फॉर्मेट में तो नहीं चलेगा। क्लियर है, तो क्या हो गया, एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? तो पहला हेड्स और सब हेड्स क्लियर है। पहला हेड कौन आता है, देखो टी शेप दिमाग में रखना, टी शेप में पहले कौन आता था, मालिक लोग, तो यहां पे भी पहले कौन आ रहा है, मालिक, मालिक का नाम है शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर फंड हो गया। अब उसके अंदर तीन चीजें सरम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। इज इट क्लियर? एंड दूसरा, दूसरे में कोई सब हेड जाए नहीं तो डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा अपने को, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। इसका मतलब यह है, हो सकता है कंपनी ने मार्च में एप्लीकेशन मनी मंगवाया था। हमने शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा था, पहले एप्लीकेशन मनी आता है, देन एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री होता है ना, और प्रैक्टिकली ये एक दिन में नहीं होता है कि आज एप्लीकेशन मनी आया और आज ही ट्रांसफर एंट्री हो जाएगा, नहीं, अलॉटमेंट ऐसे नहीं होता, ग्रेजुअली 5 to 6 days का टाइम रहता है। तो सपोज कंपनी ने क्या किया, 27th of March को एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, अब अलॉटमेंट तो उसका अप्रैल में होगा, बट अप्रैल तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आता है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च तक कंपनी ने शेयर्स तो अलॉट नहीं किया, लेकिन पैसा तो कंपनी के पास आ चुका है ना, तो ये पैसा हमने मालिक के अकाउंट में नहीं डाला, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक उनको शेयर्स दिया ही नहीं है। तो ये क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को मिल गया बट पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर्स देना बाकी है, तो यानी जो पैसा कंपनी को मिल गया और शेयर्स अलॉट करना बाकी है तो वो लाइबिलिटी है। कल को शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे तो ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना अपन को, इसीलिए लाइबिलिटी साइड में आया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। इज इट क्लियर, ये कौन सा अमाउंट होता है, जब ईयर एंड में कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिल जाए बट अलॉटमेंट डेट अभी तक आया ही नहीं है, एंड इट विल फॉल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए तो ये पैसा कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गया, तो उसको अपन यहां दिखाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। इज इट क्लियर, पहला दो हेड्स क्लियर है, ठीक है। तीसरा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है, द लाइबिलिटी विच कंपनी विल बी रीपेइंग या विल बी सेटल्ड आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। कोई भी ऐसा लाइबिलिटी जो कंपनी रीपे करेगा आफ्टर द 12 months, उसको हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में भी चार सब हेड्स डाल दिया उन लोगों ने, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में भी उन लोगों ने चार सब हेड्स डाल दिया आप लोगों के। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होता है, हाँ यस, हमने बोरो किया है पैसा, अब बोरो किससे कर सकते हैं, बैंक से ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो, कॉम्पिटिटर से लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, डिबेंचर्स इश्यू करके ले सकता है लोन, डिबेंचर भी तो डेट सिक्योरिटी था, ठीक है, तो वो सब चीज क्या कहाँ आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, वो सब हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं, यहाँ फेस में कुछ नहीं आता है, फेस ऑफ द बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया व्हाट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ठीक है, डेफर का मतलब डिले कर देना, डेफर का मतलब डिले कर देना, टैक्स मतलब इनकम टैक्स जो गवर्नमेंट को हम लोग पे करता है, लाइबिलिटीज मतलब हम लोग को पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। हो सकता है आज हमारा टैक्स बच रहा है ड्यू टू सर्टेन सेक्शंस, बट फ्यूचर में उसी के बदले में अपने को टैक्स देना पड़ेगा, उसको हम लोग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। इसको आपको समझने का कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली जब आप थोड़ा सा हायर लेवल में जाओगे, शायद बीकॉम में ईएस कवर करें तो वेरी गुड, वरना सीए वगैरह ये सब करने वाले बच्चों को पता होता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22
पूरा का पूरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी से डील करता है। ठीक है, एक छोटा सा ग्लिम्स बोलूं तो ध्यान रखना, कंपनी का बुक्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन ईयर एंड में आपको ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सबमिट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, डिस्क्लोज करना पड़ता है करंट ईयर में तुम्हारा कितना इनकम या कितना लॉस हुआ। लॉस हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, इनकम होने से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ना, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सबमिट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्टेन चीजें वो अपने हिसाब से करते हैं, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करते, जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत तरीके हैं अलग अलग, जिसमें टू फेमस मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड बुक वैल्यू मेथड। आप कंपनी के केस में स्ट्रेट लाइन मेथड भी लगा सकता है और WDV मेथड भी लगा सकता है, बट इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो करता है, दैट इज WDV मेथड। इज इट क्लियर? WDV मेथड। तो हो सकता है आपने अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम किया 10,000, ठीक है, बट एज पर द इनकम टैक्स मेथड तुम्हारा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया उन्होंने 30,000। तुम कितना एक्सपेंस क्लेम कर रहे थे? 10,000 डेप्रिसिएशन, बट इनकम टैक्स ने कितना अलाउ किया? तो इसका मतलब मैं अपने बुक्स में एक्सपेंस दिखा रहा था 10, इनकम टैक्स बोलते हैं ना 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 30,000 दिखाओ, तो मैं ज्यादा एक्सपेंस दिखाऊंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, प्रॉफिट कम होते कम टैक्स देना पड़ेगा मुझे। आज कम टैक्स दे रहा हूं लेकिन मैं तो अपना बुक्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, नेक्स्ट ईयर फिर से मैं 10,000 मांगूंगा तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा? मैंने तो पिछले साल ही तुम्हें सारा अलाउ कर दिया था, अब मैं तुम्हें 10,000 का एक्सपेंस नहीं अलाउ करूंगा, तो यानी वो रिवर्स कर देगा मेरा, तो जो एक्सपेंस मैं बोल रहा हूँ वो मेरा इनकम मान लेगा, तो उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में, तो उसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली क्या होता है, आज टैक्स बचेगा तुम्हारा लेकिन उस वैल्यू पे फ्यूचर ईयर्स में टैक्स वापस गवर्नमेंट ले लेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। आज क्या हो गया? डेफर हो गया, आज तो सेविंग्स हो गया लेकिन फ्यूचर में तो देना पड़ेगा उस अमाउंट के ऊपर में, इसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इन डिटेल कभी फ्यूचर में AS 20 पढ़ लेना, AS 22 पढ़ लेना, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, अभी सिर्फ नाम याद रखना कि क्या होता है, बात समझ में आया? ये क्यों अराइज होता है? जब कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के बीच में कुछ फिगर्स का डिफरेंस होता है ना, उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आता है। ठीक है, देन एक होता है अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यानी जो लाइबिलिटीज बोरोइंग्स के अंदर नहीं जा सकता बट इट इज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, वो सब कहाँ चला जाएगा? अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। इज इट क्लियर? देन एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? हाँ एग्जाम्पल तो ठीक है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, क्यों बनाता है, क्या है? लायबिलिटी होता है भैया, जो अगर फ्यूचर में कोई लॉस वॉस होए तो उससे हम लोग निकाल के मतलब उसको यस, ठीक कर। फ्यूचर्स लॉस एंड एक्सपेंसेस को आज ही एज पर प्रूडेंस हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स में लाइबिलिटी मान लेते हैं। फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है, देखो फॉरगेट हम ऑलरेडी कर दिए। क्या है इसको, इतना ज्यादा डिवाइस हो जाता तब प्रॉब्लम है ना, क्या है? ठीक है, सो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए जब आज ही हम पैसा साइड कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। इफ विद इन 12 मंथ्स आपका कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस होने वाला है उसके लिए आप प्रोविजन बनाता है तो हम लोग बोलता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सब 12 मंथ्स के लिए होता है। बट मोर देन 12 मंथ्स के लिए जब आप कोई पैसा साइड में करता है तो उसको हम लोग बोलता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, जब एम्प्लॉयज वगैरह रिटायर्ड होते हैं तो उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, तो ये सब बड़ा बड़ा अमाउंट है, अगले साल नहीं देना, ये सब जब वो रिटायरमेंट करेगा ना तब देना होता है, तब देना तो पड़ेगा। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, वारंटी क्लेम्स क्या होता है, नाम से समझो ना, वारंटी क्लेम, अपन कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है उसमें वारंटी लिखा हुआ रहता है ना, कि कल को 1 साल के अंदर या 2 साल में या 3 साल में खराब हो गया तो हम लोग आपका फ्री में ठीक करके देगा, नहीं तो रिप्लेस करके देगा। तो अब कंपनी ने तो दे दिया ये गारंटी वारंटी, लेकिन कल को बहुत सारा कंज्यूमर जाएगा भी ना, देखिए सर मेरा तो खराब हो गया ठीक करके दीजिए, कंपनी तो फ्री में ठीक करके देगा लेकिन कंपनी का खर्चा तो लग रहा है ना, तो कंपनी के लिए तो नुकसान है वो। उसके लिए कंपनी क्या करता है, अपने बुक्स में प्रोविजन बना के रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। इज इट क्लियर, क्लियर है ये चीज, तो समझ में आया व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अपने को नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटीज जो 12 महीने से बाद में हम लोग को सेटल्ड करना है, इसमें 4 सब हेड्स है। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा है अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेगा, मालिक लोग को शर्म तो नहीं है लेकिन किस्मत के धनी होते तो उनके घर में लक्ष्मी तो पैदा हो ही जाती है, और वो भी एकदम डॉल की तरह होती है, उसी के वजह से तो पैसा आता है घर पे। ठीक है, लड़कों की वजह से कुछ नहीं आता है, लड़के ऐसे ही है बोके ठीक है, तो डॉल में बस क्या ध्यान में रखना है, एल को आगे लेके आ जाएगा। ठीक है, लड़के लोग के साथ लगते रहते हैं कोई बात नहीं है तो डॉल में एल आगे आ जाएगा, एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डी फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओ फॉर अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, एल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इज इट क्लियर, चलेगा यहां तक, कोई डाउट, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि नहीं है? अब है करंट लाइबिलिटीज, यही तो होता था टी शेप के अंदर में, पहले ये लिखते थे फिर ये लिखते थे फिर ये लिखते थे, इन दोनों के बीच में और एक चीज आ गया, क्या आ गया कंपनीज के अंदर में, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, क्योंकि शोल प्रोप्रेटरशिप एंड पार्टनरशिप में शेयर्स होता ही नहीं था तो वो लाइन भी नहीं था। इज इट क्लियर, अब आ गए करंट लाइबिलिटीज में, जो चीज आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखी उसी का रिवर्स है ज्यादातर आइटम। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की जगह क्या आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब डेफर टैक्स लाइबिलिटी का उल्टा क्या होता है, डेफर टैक्स एसेट, इसका कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वर्ड थोड़ी लिखा था, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी का उल्टा होता है डेफर टैक्स एसेट, तो ये तो लाइबिलिटी साइड चल रहा है, यहां तो उल्टा हो नहीं सकता, तो इसकी जगह में हम क्या लेके आ गए, ट्रेड पेबल्स, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, ध्यान रखना ट्रेड पेबल्स में दोनों कवर हो जाता है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों कवर हो जाएगा, लिखना नहीं होता, बस ब्रैकेट में नॉलेज के लिए लिखा है मैंने। ट्रेड पेबल्स का मतलब ही यही होता है, ऑल द सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर, हाँ वो बात अलग है शायद तुम लोग का बुक में ट्रेड पेबल्स के अंदर दो चीज और पार्ट किया है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और उसको अलग अलग किया है ना, हाँ वो ठीक है, वो आजकल नया तरीके से हम लोग अलग अलग दिया था, क्योंकि क्या हो गया जब से स्टार्टअप्स चालू है, एमएससी, एसएमई बोल के ये सब बहुत सारी एंटिटीज आ गई है, स्मॉल माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, बड़ा बड़ा एंटरप्राइज, तो क्या करता है उसको हम लोग सेग्रीगेट कर लेता है, वो उसी का अंदर में है। इज इट क्लियर, वो नहीं आपसे बोलेंगे बट ये ध्यान रखना ट्रेड पेबल्स क्लियर है क्या होता है। ठीक है, जिनसे हम लोग गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट, उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं ना, वही तो ट्रेड पेबल्स होता है। ट्रेड पेबल्स यानी ट्रेड का मतलब जिसमें हम डील करते हैं, वो जब सामान आपने किसी से खरीदा है अब उसको पैसा देना है, पेबल, तो वो बन गया मेरा ट्रेड पेबल। इज इट क्लियर, फिर था अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर इधर क्या हो गया अदर करेंट लाइबिलिटीज, इधर था लॉन्ग टर्म प्रोविजन और इधर हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
ठीक है, तो यानी चार सब हेड्स था नॉन करेंट लाइबिलिटी में, चार ही सब हेड्स है आपका करेंट लाइबिलिटीज में, इज इट क्लियर? एक दो तीन, इनका तो एग्जैक्ट रिवर्स है, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म हो गया, अदर नॉन करेंट का अदर करेंट हो गया, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म हो गया, है ना, इस तीनों का रिवर्स है। और ये कोई इसका रिवर्स तो एसेट होता तो एसेट साइड में जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ गया, ट्रेड पेबल्स आ गया, इज इट क्लियर, सेट रहेगा? नहीं सेट रहेगा तो इसका शॉर्टकट ध्यान में रखना। अब शेयर होल्डर को शर्म नहीं है, बट भगवान की कृपा से उनके घर पे डॉल हो गई, डॉल हो गई तो खर्चा तो होना ही है, तो अपन नीड iPhone 15 Pro, बट ये तो भाई मालिक है ना, इसको पता है पैसा कितना कंजर होता है, बिजनेसमैन लोग ऐसे उड़ाने लगेंगे तो कैसे चलेगा, अभी तो पैसा नहीं, अभी तो धंधा पूरा अच्छा नहीं चल रहा, जब जब पैसा मांगने जाओ तभी भी धंधा खराब चल रहा होता है, अदरवाइज तो पैसा बहुत है, कोई भी पार्टी करना हो, शादी करना हो, फंक्शन है तो बहुत पैसा है, ऐसे ही लिफाफा में बांटते रहेंगे, जब खुद मांगने जाओ तो पैसा नहीं, तो बोलते ऐसे मत करो पापा, भूख लगा है, पैसा दे दो, रेस्टोरेंट जाऊंगी 5 स्टार, दोस्तों को भी लेके जाऊंगी, थोड़ा उनको भी साथ में खिलाऊंगी, बोलते पागल हुआ है तुम, 5 स्टार जाएगा, इससे अच्छा एक काम करो सीताराम भोजनालय जाओ, थोड़ा सा खा लो, और जो पैसा बचेगा उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्ट करेगा तो और पैसा कमाएगा, फिर तुम 2 बार सीताराम भोजनालय जा पाएगा, फिर भी 5 स्टार मत जाना, समझ में आया? अब डॉल और पापा में हो गया झगड़ा, इतना ये तो गलत बात है, आप बोलता है खाली पैसा इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, और हमको तो खर्चा करना, ठीक है, तो झगड़ा होने से अब रिजॉल्व कैसे होगा, क्या करें? अब जैसे क्रिकेट खेलने जाते हो, पहले बैटिंग हम करेगा, पहले बैटिंग हम करेगा, पहले बैटिंग हम करेगा, तो क्या करता है फिर हम लोग, टॉस करता है, तो यहाँ पे भी वही करेगा, जैसे वो देखा है शोले मूवी, जे और वीरू बोलता है तुम जाएगा हम जाएगा तुम, अच्छा ठीक है चलो सिक्का उछाल के देख लेता है, तो यहाँ पे बाप और बेटी क्या करेंगे, टॉस करेंगे, वैसे टॉस में ऐसा आगे आ जाएगा, ठीक है, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी फॉर ट्रेड पेबल्स, ओ फॉर अदर करेंट लाइबिलिटीज, एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इज इट क्लियर, मगज में रहेगा? हाँ तो दैट वाज अवर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, फॉर्मेट में फिर से अच्छे से ध्यान में रखना कि ऊपर में शेड्यूल 3 लिखना होता है, पार्ट 1 कंपनी का नाम, बैलेंस शीट, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड तो खत्म, ये तीन ही चीज था, एक नया आ गया था यहाँ पे बीच में, क्या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, ठीक है, उसका कोई सब हेड्स नहीं है, शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब हेड्स था, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स इन सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, देन नॉन करेंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एंड फिर करेंट लाइबिलिटीज में 4 सब हेड्स है आपका, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इज इट क्लियर? ठीक है, अब एसेट पार्ट, एसेट में 2 ही चीज था पहले भी, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, अभी भी वही है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग क्या क्या दिखाता था, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई किसी भी इंसान को हमने कंपनी ने यदि लोन दे रखा है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ तो वो नॉन करेंट एसेट्स हो गया, कंपनी ने किसी शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा तो वो भी कहाँ हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में, राइट, तो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में अपने पास में क्या है, सबसे पहले है एसेट्स वाला पार्ट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी आता था, लैंड एंड बिल्डिंग आता था, गुडविल हो गया, ठीक है, टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम्स होते थे ना, तो अभी भी वही है, द नंबर वन इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी फिक्स एसेट्स बोल के लिखते थे ना तुम लोग, फिक्स एसेट्स की जगह अब हम लोग क्या लिखता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहले यहाँ पे क्या होता था, फिक्स एसेट्स होता था, फिक्स एसेट, अब फिक्स एसेट्स को हटा के क्या नाम रख दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बस जस्ट नेम रिप्लेस किया गया और कुछ नहीं,
ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है, नेम रिप्लेस किया है उन्होंने। इज इट क्लियर? यही है ना तुम लोग के भी? हाँ वही है। अब ये जितना भी है ना, टेंजिबल इनटेंजिबल, ये सब पीपीई के अंडर में आता है, अलग से नहीं आता है। ये हेड्स हो गया तुम्हारा नॉन करेंट एसेट्स, ये उसका हो गया सब हेड, सब हेड के सब पार्ट्स है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारी बिजनेस की जितने भी एसेट्स है, जो फिक्स एसेट्स बोला करते थे, उसको डिवाइड कर देते हैं। इफ टेंजिबल है तो टेंजिबल में चला जाएगा। टेंजिबल का मतलब जो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब क्या है तुम्हारे लिए? टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल जो देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, जस्ट फील कर सकता है, एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, नो हाउ, ठीक है, ये सब अपने लिए क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट, राइट? एंड समटाइम्स व्हाट वी डू, वी डेवलप टेंजिबल एसेट इन हाउस। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, अब हम हमारे लिए ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब तक ये ऑफिस बिल्डिंग बन नहीं जाता, जितना बन चुका होता है ना, उसको हम लोग बोलता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे कि आपने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया, आपको चार तल्ला का बिल्डिंग बनाना था, फोर स्टोरेड बिल्डिंग बनाना था, पहले साल आपका 2 फ्लोर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड फ्लोर कंप्लीट हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर फोर्थ फ्लोर कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 2 फ्लोर तो कंप्लीट हो चुका था ना, लेकिन क्या वो बिल्डिंग पूरा बन गया क्या? पूरा बन जाता तो हम लोग उसको बोलता है टेंजिबल एसेट, बट पूरा नहीं बनाना तो उसको हम लोग बोलता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी पहले देखो टेंजिबल का बात किया, बाद में इनटेंजिबल का बात किया, तो पहले किसका बात कर रहा है? टेंजिबल को बनाने का, और बाद में किसका बात कर रहा है? इनटेंजिबल को बनाने का। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आपके यहाँ पे कोई रिसर्च वगैरह का कर रहे हो तुम लोग, जैसे कोविड का वैक्सीन वगैरह बना रहा है, तो जब तक बन नहीं जाएगा, जितना भी खर्चा लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेगा? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे कि आप कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो, तो वो सब क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और जब वो बन जाएगा, तब वो बन जाएगा मेरा इनटेंजिबल एसेट। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, पीपी के अंदर वही नॉर्मल, पहले भी ऐसे ही था। फिक्स एसेट्स के अंदर दो तरह का फिक्स एसेट होता था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब फिक्स एसेट्स का नाम चेंज होके क्या हो गया? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल तो है, लेकिन टेंजिबल यदि अपन बिजनेस में ही बना रहा है और कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए बोलेगा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, जैसे शेयर मार्केट में, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स वगैरह में, डिबेंचर्स में, इस कंपनी ने अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देन डेफर्ड टैक्स एसेट, वही सेम कहानी। हो सकता है आज हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन कल फ्यूचर में हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। इज इट क्लियर? बस नाम ध्यान में रखना। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को एडवांस दे रखा है, एक होता है बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का मतलब अपन लोन लेता है, एंड एडवांसेस का मतलब अपन ने किसी को दे रखा है, अपन ने दे रखा है तो ठीक है, एंड इफ इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, तो वो बन जाता है मेरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इज इट क्लियर? एंड ऊपर का 4 कैटेगरी में कहीं नहीं जाएगा, तो वो कहां जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स। यदि क्वेश्चन के आइटम्स में हमें समझ में नहीं आ रहा, ना यहां आ रहा है, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, बट है वो मोर देन 12 मंथ्स के लिए, तो हम लोग उसको कहाँ दिखा देगा? अदर नॉन करेंट एसेट्स में। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? तो टॉस होके, टॉस तो किया, टॉस का झगड़ा क्या था?
टॉस करना क्यों पड़ा? पापा बोलता है इन्वेस्टमेंट करो, बेटा बोलता है खर्चा करो, ठीक है, सॉरी बेटी। पापा का परा है ना होता, परी तो आजकल तो बेटा के हिसाब से होता है बेटी लोग। तो क्या हो गया, वो बेटी बोलता है ना हमको तो खर्चा करना है, 5 स्टार जाना है, सीताराम भोजनालय नहीं चलेगा, और पापा बोलता है इन्वेस्टमेंट करो। तो टॉस हुआ, टॉस होके रिजल्ट ये निकला कौन जीता होगा, ऑब्वियसली बेटी, पापा कहाँ जीतेगा। तो बेटी बोलता है पापा, पापा नो, लॉन्ग टर्म एफडी, कोई एफडी वेफडी नहीं बनाएंगे हम, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, राइट पापा, नो लॉन्ग टर्म एफडी। तो क्या फिर पैसा मुझे दो और मैं जाऊंगी और खाऊंगी, मस्त पार्टी करूंगी, और वो क्या खाएगी, सिटोज, ठीक है, चिटोज नहीं खाएगी, सिटोज, वो महंगा वाला ब्रांड है, चिटोज लोकल लोग गरीब लोग खाते हैं, 10 रुपए वाला, जो महंगा वाला 5 स्टार में मिलता है उसको सिटोज बोलते हैं। जैसे वो क्या होता है कि पुचका को भी अलग नाम से बुलाते हैं ना 5 स्टार में, तो इतना घुमा फिरा के बोलेंगे, सीधा ही बोल दो पुचका था। समोसा को भी वो एक दो ऐड देखा हुआ है क्या, ऐसा कुछ बोलेंगे कि अरे भाई लाना समोसा ही था, उसमें दो धनिया पत्ता लगा के सीधा ही बोल देता। ठीक है, तो पापा नो लॉन्ग टर्म एफडी, पापा बोले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, उसके अंदर में टेंजिबल आ गया, इनटेंजिबल आ गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आ जाएगा, इज इट क्लियर। एंड फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, एंड फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देन डी फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। तो भेजा, दिमाग घूम रहा है क्यों, ये खाना खाओ। सीटो नहीं, सीटोज वगैरह सुन के पापा ये वो अरे तो दिमाग तो टिकावा रहना चाहिए हमें, जैसे जैसे तुम हायर लेवल्स में बढ़ोगे आपके थ्योरेटिकल कंटेंट्स बढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम में तो और ज्यादा, हर चीज हम मगअप नहीं कर सकते, बिकॉज अंदर का कंटेंट बना के लिखना होता है, बट उसकी जो हेडिंग्स होती है ना उसको आपको वैसे ही लिखना होता है, तभी मार्क्स मिलता है। जैसे आपका बीएसटी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हेडिंग्स वैसे ही लिखना होता है, इफ आपको मेमोरी टेक्निक्स कुछ भी अंडरस्टैंड कुछ भी आलतू फालतू से फर्क नहीं पड़ता है, बस वो रिदम से बन जाना चाहिए, तो दिमाग में सेट रहता है और एग्जाम में रिकॉल हो जाता है, चाहिए इस पॉइंट के बाद ये था, इसके अंदर ये था, उतना ही तो काम होता है मेमोरी टेक्निक्स का, उसके अलावा कोई काम नहीं है। मैंने अपने टाइम में ऑडिट के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को याद करने के लिए जो तो स्टोरी बना लेता था दिमाग में और उसको लिख लेता था एक पेज में, वो स्टोरी को 2 बार पढ़ता था, हमको सारा अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर पता रहते थे, इसके अंदर ये लिखना है, इसके अंदर ये, एक बार नाम पता है ना अंदर का कंटेंट तो हम नाम से निकाल लेगा, ठीक है, इज इट क्लियर। तो नॉन करेंट एसेट्स का कहानी क्लियर है, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें 4 चीज है, टेंजिबल इनटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट्स, और ये नाम यदि आपका ऊपर नीचे हो जाता है कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटता है, क्योंकि मैंने बोला ये फॉर्मेट है फॉर्म नहीं है, क्लियर है, यही अच्छी बात होती है फॉर्मेट की, थोड़ा बहुत रीशफलिंग हो जाता है। और मैंने उस दिन शायद तुम लोग को दिखाया था क्या, कंपनी का बैलेंस शीट खोल के वहां पे, या बोला था मैंने कि उन लोग क्या करते हैं एसेट्स को पहले दिखाते हैं और लाइबिलिटीज को बाद में दिखाते हैं, टाटा वगैरह के बैलेंस शीट देखना या फिर रिलायंस का बैलेंस शीट देखना, उन लोग एसेट्स पार्ट को पहले दिखाता है और इक्विटी एंड लाइबिलिटी उसके नीचे दिखाता है, बट शेड्यूल 3 में तो क्या दिखाया हुआ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहले एंड देन एसेट्स, है ना, तो सिंस इट इज अ फॉर्मेट तो उन्होंने रीशफलिंग कर दिया अपने हिसाब से, चलता है कोई दिक्कत नहीं, इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, नॉन करंट एसेट्स वाला पार्ट क्लियर है, नाउ कम्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, वो सारा एसेट्स जो विद इन 12 मंथ कैश में रियलाइज हो जाएगा या कैश ही है,
उसको हम लोग बोलता है करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? करंट इन्वेस्टमेंट, ऊपर में क्या था? नॉन करंट था, नीचे क्या आ गया? करंट इन्वेस्टमेंट आ गया। ऊपर में देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस था, नीचे क्या आ गया? ऊपर में था अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे में, तो ये तीन तो रिवर्सल है, ये तीन तो रिवर्सल हो गया अपना। फिर क्या नया आ गया? तीन चीज नया आ गया। स्टॉक के बिना करंट एसेट्स हो ही नहीं सकता। इन्वेंट्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ स्टॉक नहीं बोलते, इन्वेंट्री बोला जाता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल, WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक, तीनों चीज आता है इसके अंदर में। इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? इन्वेंट्री इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आता है उसी को इन्वेंट्रीज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बट इन्वेंट्री वाइडर टर्म इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला लोगों के लिए एक रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो आधा अधूरा गुड्स बन के रखा है वो भी उनके लिए इन्वेंट्री है, और जो कंप्लीट बन चुका वो भी उनके लिए इन्वेंट्री है। इज इट क्लियर? बट व्हेन आई से क्लोजिंग स्टॉक, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वो सिर्फ एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए काम आता है। ट्रेडिंग बिजनेस अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल और WIP नहीं दिखाता, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस का काम क्या है? बना बनाया सामान खरीदेगा और आगे में बेच देगा, राइट? जैसे सामने ये चिप्स वाला है, इसके लिए चिप्स क्या है? जो चिप्स नहीं बिका इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक है, इसके लिए ये कोई रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। बट जो कंपनी चिप्स बना रहा है उसके यहाँ पे आलू, प्याज, मसाला, फिर फ्लेवर्स, वो सारी चीजें उसके रॉ मटेरियल है। अब वो बना के मशीन में डालता है मिक्सअप करके। अब सपोज मशीन से बन के निकल गया लेकिन अभी तक पैकेजिंग नहीं हुआ, बिना पैकेजिंग तो बिकेगा नहीं ना, तो जब तक पैकेजिंग नहीं हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब साल खत्म हो गया तो जितना भी WIP है वो भी तो उसका इन्वेंट्री हुआ, और जो चिप्स बन के रेडी थे लेकिन आगे गया नहीं सेल आउट होने के लिए, वो उसके लिए बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? तो एक आएगा इन्वेंट्री, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, जिसको भी हम क्रेडिट में गुड सेल करते हैं उसको हम लोग बोलता है ट्रेड रिसीवेबल्स। इज इट क्लियर? देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी रोकड़ा पैसा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो हमारे पास कैश बॉक्स में जो कैश पड़ा है वो, हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो भी कैश है। एंड इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो कैश की तरह ही है, जब चाहो तब हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब कभी कभी शेयर मार्केट में जो आप लगा रहे हो, ठीक है, तो वो मार्केटेबल क्या, तुरंत बेचा और पैसा आ गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नॉर्मली उसको बोला गया है जो इन्वेस्टमेंट लेसर देन 3 मंथ्स के लिए, लेसर देन 3 मंथ्स के लिए है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला गया है। इज इट क्लियर? आया बात समझ में? कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स, यानी जो या तो कैश ही है या फिर इट इज इक्विवेलेंट टू कैश, जब मन किया तब उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया, उसको बोलते हैं कैश इन कैश इक्विवेलेंट। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए फिर तो भैया डेटर भी ऐसे ही होना चाहिए, अपन को उनसे पैसा लेना है, जाओ पैसा ले लो, आ गया हाथ में पैसा, तो ये भी तो इक्विवेलेंट ही हुआ, कैश इक्विवेलेंट्स। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा मर्जी से वो पैसा दे देता है क्या? तुम जाएगा वो 50 तो नौटंकी करेगा, ये अभी कहाँ, अभी तो सेल ही नहीं, एकदम मार्केट डाउन है, पैसा ही नहीं, अभी नहीं होगा, आप अगला हफ्ता आइए, नेक्स्ट डे आइए, अगला महीना आइए, ठीक है? तो डेटर कहाँ तुरंत पैसा देता है, इमिडिएटली पैसा आए जरूरी थोड़ी ना है। इक्विवेलेंट्स का मतलब है आएगा ही, मार्केट में बेचा और हाथ में पैसा आ गया, उसको इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स। ऐसे तो फिर इन्वेंट्री भी तो भैया इक्विवेलेंट्स ही हुआ, बेचा और पैसा आ गया, लेकिन बेचना तुम्हारे हाथ में है क्या? कस्टमर ही नहीं आया खरीदने के लिए, तब क्या करोगे? उसके लिए कस्टमर आना भी तो पड़ेगा। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इन्वेंटरीज को भी कैश इक्विवेलेंट्स नहीं बोलते। क्लियर है? व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वही कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है फॉर ए पीरियड ऑफ लेसर देन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड ऊपर वाली कैटेगरीज में कहीं कुछ नहीं आएगा तो वो कहाँ जाएगा? अदर करंट एसेट्स। क्लियर है कहानी? क्लियर है? अब इसका शॉर्ट टर्म
क्या है सिटोस, बस दिमाग में यही रखना कि अमीर जादे और उनके रईस जादे या बड़े लोग, एक से कुछ नहीं होता इनका, कम से कम दो, ठीक है। सी स्क्वायर ध्यान रखना, ठीक है। सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई फॉर इन्वेंट्रीज, टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर और एक सी स्क्वायर था ना, तो सी फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ओ फॉर अदर करंट एसेट्स, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इज इट क्लियर? रहेगा दिमाग में? प्रॉपरली फॉर्मेट बना पाएंगे अपन? हर एक सारा चीज क्लियर है? एक बार रिवाइज करो, फिर हम लोग पीएनएल का बात करेगा। शेयर वारंट, शेयर वारंट बेसिकली वो चीज होता है जो कंपनी ने आज पैसा ले लिया लेकिन कंपनी का शेयर्स नहीं था देने को, तो कंपनी ने उसके बदले में शेयर्स के जैसा ही एक वारंटी कार्ड दे दिया जिसके बदले में तुमको शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग को कोई चीज का कोई दुकान में जाता है, वहां से हम लोग को कोई गिफ्ट मिलना है बट उसके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो तुमको कार्ड देता है, बोलता थोड़े दिन बाद आके तुम रिडीम कर लेना। तो उसी तरीके से हो गया शेयर वारंट, एक सिक्योरिटीज ही है एक तरीके से तो, बट अभी शेयर्स नहीं दे सकता कंपनी, बट तुम रेडी है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी बोलता है हम तुमको गारंटी देता है फ्यूचर में तुमको शेयर होल्डर बना देगा, हम शेयर्स दे देगा हम तुमको, लेकिन आज हम तुमको शेयर वारंटी देगा, शेयर्स नहीं देगा, दैट इज शेयर वारंट। फटाफट डाउट बोलो, आप लोगों ने सर्टेन क्वेश्चंस किया था, हेड एंड सब हेड्स क्या क्या है, किसी ने पूछा प्रपोज डिविडेंड, अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड, कंपनी के लिए प्रपोज डिविडेंड, इट कैन बी लाइबिलिटी, इट कैन नॉट बी लाइबिलिटी। प्रपोज का मतलब प्रपोज किया है, अकाउंटिंग हुआ ही नहीं है कंपनी के बुक्स में, प्रपोज डिविडेंड का कोई अकाउंटिंग होता ही नहीं, और जिस चीज का अकाउंटिंग नहीं होता वो बैलेंस शीट के फेस में नहीं आता, राइट। बट ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। नाउ व्हाई इट इज अ कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, फ्यूचर में होने या नहीं होने पे जो डिपेंड करता है उसको हम लोग कंटिंजेंट बोलता है। अब डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, जब कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांटता है तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलता है। अब कैसे बांटता है, इसका एक प्रोसेस है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के रूम में बैठेगा, मीटिंग करेगा, जो कंपनी को चला रहा है उन लोग मीटिंग करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा स्टडी करेगा और देखेगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, एंड अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट रखने के लिए उन लोग क्या करता है, डिविडेंड प्रपोज करता है कि क्यों ना हम हमारे शेयर होल्डर को पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड दे देता है, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट बांट देता है। इज इट क्लियर? बट प्रॉफिट बांटना है या नहीं बांटना, ये तो सारा शेयर होल्डर, सारा मालिक से पूछना पड़ेगा, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूम में तो लिमिटेड मालिक लोग बैठा हुआ है, ईच एंड एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज द ऑनर ऑफ द कंपनी। तब क्या करता है, कंपनी एक जनरल मीटिंग कॉल करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलता है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पे ये बात कंपनी के डायरेक्टर्स लोग रखता है कि एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वी हैव डिसाइडेड टू गिव डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, एग्जाम्पल है 2 पर शेयर, टू द शेयर होल्डर्स, एंड इफ मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर का कंसर्न आता है यस वी आर इन फेवर, तब वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, यानी अब कंपनी को डिविडेंड बांटना ही पड़ेगा, रिवोक पीछे नहीं हट सकता, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया फिर तो पैसा देना ही पड़ेगा कंपनी को। इज इट क्लियर? लेकिन यदि शेयर होल्डर बोलते हैं नो वी आर नॉट इन फेवर, वी डोंट वांट कंपनी डिविडेंड बांटे, बेटर है कि कंपनी पैसा अपने पास में रखे और कंपनी को और एक्सपांड करने के लिए यूज करे, तब डिविडेंड नहीं बांटना पड़ेगा, राइट। सो प्रपोज डिविडेंड देना है या नहीं देना वो तो डिपेंड करेगा शेयर होल्डर्स का मीटिंग पे, यस बोल देंगे तो डिविडेंड दे देंगे और नो बोलेंगे तो डिविडेंड नहीं देंगे। और एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला 2 रुपए डिविडेंड देना है, अब शेयर होल्डर का मीटिंग में सारा शेयर होल्डर बोलता है 3 रुपए करके डिविडेंड दे दो, नॉट अलाउड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना प्रपोज किया है उससे ज्यादा का लिमिट एजीएम में डिसाइड हो ही नहीं सकता, हाँ बट उससे नीचे हो सकता है। सारा शेयर होल्डर मीटिंग में बोला एक काम कीजिए 2 रुपए का डिविडेंड मत बांटिए, 1 रुपए का डिविडेंड बांट दीजिए, दैट इज अलाउड। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करता है उससे नीचे मीटिंग में डिसाइड हो सकता है बट उससे ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? समझ में आया व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। देन प्रोविजन ऑफ टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन का मतलब होता है
के एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, जब आज ही हम अपना पैसा साइड कर ले तो उसको प्रोविजन बोलता है, ठीक है। 31 मार्च को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा, बट इससे रिलेटेड इनकम टैक्स का पे करेगा हम लोग, उसके बाद में पे करेगा ना। इफ हमारा प्रॉफिट है तो टैक्स तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो जो नेक्स्ट ईयर, करेंट ईयर जो 31 मार्च खत्म हुआ है, उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर टैक्स देना पड़ेगा। जितना टैक्स तुम्हें लगता है कि देना पड़ेगा, उतना ही आज तुम क्या करता है, पैसा साइड में कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन ऑफ टैक्स। इट इज जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल टैक्स। तो नेक्स्ट ईयर जो टैक्स आप पे करने वाले हो, उसके लिए जो आज पैसा साइड में किया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो पे करना है, सो इट्स अ लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्लियर है। देन प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज, कॉन्टीजेंसीज का मतलब इमरजेंसी। नेक्स्ट ईयर कोई अनहोनी होने वाला होगा या हो सकता है, उसके लिए हम जब पैसा साइड में करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसीज, क्लियर है। वो सेम है जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट, और कोई पॉइंट जिसमें आप लोग को डाउट है, एनी पॉइंट? याशी, कोई डाउट? भैया सब हेडिंग मतलब क्या होता है? पूरा रामायण पढ़ लिया और अभी ये नींद से जागा है कि हेड्स और सब हेडिंग क्या होता है? शाबाश। नहीं, मतलब हेड्स तो पता है, हेड जैसे कि वो हो गया ना नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंडर जो जाते हैं वो हो गया हेडिंग्स, ए, लेकिन वो सब होता है सब हेडिंग, तो ये फिर होता है हेडिंग और ये होता है सब हेडिंग्स। अच्छा, ठीक है कौन सा दुनिया में रहता है? भैया, कभी कभी हो जाता है। अच्छा इसीलिए तो तुमको बोला तुमको स्कूटी चलाना अलाउड नहीं है, ठीक है। आया समझ में? तो बैलेंस शीट से रिलेटेड चीजें क्लियर है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मेट क्लियर है, एंड फॉर्मेट के अंदर कैसे हेड सब हेड्स होगा वो क्लियर है। फिर उससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्टिकल फॉर्मेट का जरूरत क्यों पड़ा। ऑपरेटिंग साइकिल क्लियर है, नॉर्मली 12 मंथ्स इज कंसिडर्ड एज द ऑपरेटिंग साइकिल, बट उससे ज्यादा भी हो सकता है। बट ध्यान रखना, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से नीचे कभी हो ही नहीं सकता, नेवर एवर। मिनिमम 12 मंथ्स होगा, बट हायर है तो हायर कंसिडर करेगा हम लोग। इज इट क्लियर? तो कोई भी लाइबिलिटी जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल सेटल करना है, उसको करंट लाइबिलिटी बोलेगा। कोई भी लाइबिलिटीज जो बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल जाएगा, वो मेरे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। कोई भी एसेट्स जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो मेरे लिए करंट एसेट्स, एंड बाकी सारा हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स। इज इट क्लियर? देन ये क्लियर था हॉरिजेंटल फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट। मेजरली तो कंपेरेबिलिटी के लिए होता है। हॉरिजेंटल फॉर्मेट के अंदर में कोई गाइडलाइंस नहीं था, लेकिन वर्टिकल के लिए तो बता दिया इन्होंने, इस ये हेड्स होगा, ये सब हेड्स होगा, ये ऐसा नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, सारा कहानी प्रिस्क्राइब्ड है। इज इट क्लियर? देन ये हमने कर लिया, तो वो टी शेप है, ये वर्टिकल है, ये सारा कहानी हमने समझ लिया था। नाउ सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ध्यान रखना, फॉर क्लास 12 जो एक्चुअल पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दिया हुआ है, उतना आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट आपके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, ठीक है। प्रोविजन वाले पार्ट है, फिर डेफर्ड टैक्स भी है, बहुत सारी कहानियां है ना उसके अंदर में, उतना नहीं चाहिए। आप बस इतना फॉर्मेट ध्यान में रखना, बिकॉज आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट पूछा तो वो बैलेंस शीट का पूछते हैं, और न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो पीएनएल का पूछेंगे, और पीएनएल में सर्टेन आइटम्स का डेटा रहेगा, बस उसको प्लॉट करना है अपने को। अब क्या होता है, पीएनएल का मतलब प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, राइट। अब इनकम, दो तरह का इनकम होता है, एक कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन स्टोर है तुम्हारा, तो मेडिसिन सेल करके जो हम कमा रहा है वो मेरा मेन इनकम है। उसके बाद यदि तुमको कोई दूसरा इनकम हुआ, जैसे कि डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, बिजनेस के नाम से कोई लॉटरी लग गया, ठीक है, बिजनेस का पैसा तुमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा था, उससे तुमको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, वो सारा तुम्हारे लिए क्या है, अदर इनकम। तो एक होता है मेन इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हम डे टू डे वर्किंग करके जिससे पैसा कमा रहा है,
उसको हम लोग बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेसिकली ये क्या है, नेट सेल्स। याद है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नेट सेल्स लिखते थे, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका नेट सेल्स है। प्रैक्टिकली बोलू तो ये नेट सेल्स होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब। इज इट क्लियर? नेट सेल्स। फिर अदर देन सेल्स से जो भी इनकम आता है, अदर देन सेल्स इनकम जो भी इनकम है उसको हम लोग कहाँ दिखाएगा, अदर इनकम। क्लियर है? तो इनकम का पार्ट खत्म। ये आ गई हमारे पास टोटल इनकम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। इज इट क्लियर? अब एक्सपेंसेस, हम लोग जब पहले टी शेप बनाता था अकाउंट बोल के, अभी तो स्टेटमेंट है, जब अकाउंट बनाते थे तब क्या करते थे, पहले बनता था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते थे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक भी आता था, क्लोजिंग स्टॉक भी आता था, परचेजेस भी आता था, ये सारा चीज आता था ना। बट अब क्या हुआ, कंपनीज के अंदर में वो सारा चीज एक ही जगह में मर्ज कर दिया अंडर द हेडिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? अंडर द हेडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, मटेरियल का मतलब क्या, रॉ मटेरियल। मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है उसके लिए ये काम आएगा। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है, बना बनाया गुड्स खरीदेगा और उसको बेचेगा ना, उसके लिए तो फिनिश गुड्स होता है, रॉ मटेरियल कुछ है ही नहीं। इज इट क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बेसिकली मतलब होता है रॉ मटेरियल। अब हम कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं। सपोज तुम्हारे पास में क्या है, 10 केजी, 10 केजी आटा था। आप लोग बिस्किट का बेकरी चलाता है, ठीक है, 10 केजी आटा था, आटा का बिस्किट बनता है, 100 केजी आटा और खरीदा, एंड अभी आपके पास में 30 केजी आटा बचा है। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना यूज कर लिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर से बोल रहा हूं, 10 केजीज ऑफ आटा था, 100 किलो खरीदा और, एंड 30 केजी अभी आपके पास पड़ा है स्टोर में, 80 किलो यूज कर लिया ना हमने, उसी को तो कंज्यूम बोलते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आई बात समझ में, उसी को कंज्यूम्ड बोला जाता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हम लोग बोलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये तो बात कर लिया हमने रॉ मटेरियल का। बट इफ हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस करता है तो हम लोग क्या करेगा, बना बनाया गुड्स खरीदता है ना, परचेजेस जिसको हम लोग बोलता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज आता था ना, सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा। देखो नंबर टू क्या है एक्सपेंसेस के अंदर में, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है जो गुड्स हमने फिनिश गुड्स खरीदा है सेल आउट करने के लिए, उसी को हम लोग बोलता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और यहाँ परचेज का मतलब नेट परचेजेस है। नेट परचेजेस का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसको नेट परचेजेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूँ, रिवाइज कर लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देन नेक्स्ट है, ये हो गया आराम से। फिर क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब हम लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाता था। बट अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस दिखा देता है यहाँ पे, उसी को बोलता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है।
सपोज आपका ओपनिंग स्टॉक है 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना आएगा? -20,000. तो यहां पे ना माइनस साइड में इधर दिखाएंगे ना, तो माइनस में दिखाएंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री. ये ध्यान रखना, हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है. और इफ ओपनिंग 30,000 है, क्लोजिंग 10,000 है, तब हम लोग का पॉजिटिव 20,000 आएगा. एंड ये माइनस में आया, इनकम में से तो एक्सपेंस माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये माइनस में फिगर हुआ और इनकम में से, यहां से तो ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे हम, तो यानी ये ऑटोमेटिकली इसमें प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस. तो ध्यान रखना, चेंजेस इन इन्वेंटरी का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. कभी भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं होगा, नेवर एवर. और जो सिंबल जाएगा वही पुट करेगा हम लोग. माइनस में आया तो माइनस लिख देगा, प्लस में आया तो प्लस में लिख देगा. इज इट क्लियर? क्लियर है व्हाट इज चेंजेस इन इन्वेंटरी? अब इन्वेंटरी में देखो तीन चीज है. क्या क्या होता है इन्वेंटरी का मतलब, हमने पढ़ा था बैलेंस शीट में, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, अब रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, वो तो हम यहां कंसीडर कर चुके ना, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो रॉ मटेरियल अब नहीं कंसीडर करना, वहां ओपनिंग और क्लोजिंग का कैलकुलेशन हो चुका. तो क्या बच गया? WIP एंड फिनिश गुड्स. तो इन्वेंट्री किसका लेना है? एक WIP का और एक फिनिश गुड्स. ये फिनिश गुड्स कौन सा है? जो हमने इन हाउस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बनाया है और सेल आउट नहीं किया. और एक होता है क्या, कि हम लोग बाहर से खरीदता है बनाया हुआ गुड्स सेल करने के लिए, जिसको हम लोग बोलता है स्टॉक इन ट्रेड. ये भी फिनिश डी है. आई बात समझ में? सो इन्वेंट्रीज ऑफ WIP, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड तीनों का लेंगे यहाँ पे. और कैसे लेंगे? चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हमेशा. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? उसके बाद एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा, एम्प्लॉय का सैलरी, वेजेस, कोई भी बेनिफिट्स वगैरह आपने उसको दिया है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड बिजनेस का जितना भी खर्चा है वो सारा यहाँ आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में. ठीक है, एंड देन फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट बोले तो फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा बोरो किया होगा कहीं से, तो उसके ऊपर कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है. ठीक है, तो किसी को इंटरेस्ट देना, डिविडेंड बांटना इज ऑल अबाउट फाइनेंस कॉस्ट. इज इट क्लियर? देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल एसेट्स. और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन. जब भी टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, वो अपन यहाँ शो करेगा. इज इट क्लियर? एंड इसके अलावा बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कोरियर, ट्रेवलिंग. ये सब कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में. इज इट क्लियर है? तो एक्सपेंसेस में सिर्फ इतने ही आइटम्स है, ये अपने को ध्यान में रखना है. अब ध्यान में रखना है तो सीक्वेंस ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, इतना पैसा कंपनी कमा रहा था, मालिक लोग तो बेशरम निकला. शरम होता नहीं, पैसा खूब छाप रहा है, बट बेचारा एम्प्लॉयज लोग जाता है, मालिक घर पे दो छोटा बहन है, एक भाई है, स्कूल का फीस देना है, कॉलेज का फीस देना है, ट्यूशन फीस देना है, थोड़ा सा 2 महीना का एडवांस सैलरी मिल जाएगा क्या? या फिर घर पूरा टूट चुका है, थोड़ा सा घर बनाना है, घर पे शादी है, पैसा चाहिए, थोड़ा सा लोन दे दीजिए ना. मालिक बोलता कैसा लोन? कोई काम वाम करता नहीं, कोई लोन वोन नहीं, हम लोन नहीं देगा. बोलता जाओ बैंक से लोन लो. लेकिन बैंक से लोन लेने जाएगा तो मॉर्गेज रखना पड़ेगा. अब बेचारा गरीबों के पास कहाँ से एसेट आएगा? नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता. अब पैसा तो मालिक भाई, हम आपके लिए दिन रात काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इतना पैसा आप लोग को कमा के दे रहा है, थोड़ा पैसा तो हम लोग को बनता है ना. ठीक है, बोलते आप ऐसे मत करो, हम लोग को सुसाइड का नौबत आ जाएगा. बोलते नहीं देगा, जाओ. नहीं देगा तो सुसाइड का नौबत मतलब
क्रिमिनल केस फाइल हो जाएगा आपके अगेंस्ट में, ये ध्यान रखना। कल को हम सुसाइड कर लिया, आपका फैक्ट्री गेट में कैरोसिन तेल डाल के जला लिया अपने आप को, आपका तो लग जाएगा, ताला ही लग जाएगा, क्रिमिनल केस लगेगा आपका। तो बोलता क्या धमकी दे रहा है क्या, तुम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करेगा हमारे अगेंस्ट में। बोलता है धमकी समझ लो, अब आपका मर्जी है, आपके अगेंस्ट तो फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगा। हम रूम में अपने आप को फांसी लगा के लिख देगा, हमारा मालिक हमको फाइनेंस नहीं दिया, लोन नहीं दिया, उससे चक्कर में हम जा रहे हैं, हमको पैसा का बहुत जरूरत था। ठीक है, तो भयंकर डर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकता है उसके अगेंस्ट में। तो इसीलिए अब मालिक तो बेस है, तो भाई लेबर यूनियन आया, बोलता है क्या हुआ, पैसा चाहिए, हम लोग लेगा, आज से हम लोग काम नहीं करेगा, हड़ताल पे। सब बैठ गया गेट के बाहर, आज से कोई काम नहीं करेगा, और एक ही नाराबाजी, और वो बॉडी कौन सा है पता है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। ठीक है, उन लोग उनके साथ में बैठ गया, सीपीसी बोल के एक बॉडी फॉर्म किया गया, जिसका काम है लेबर यूनियन का कि उन लोग एम्प्लॉयज को फाइनेंस वगैरह दिलाएगा। तो सीपीसी वाला लोग क्या किया, गेट के बाहर बैठा, सीपीसी का नारा, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, सीपीसी का नारा, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, सीपीसी का नारा, एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो, चालू कर दिया उन लोग बोलना, देना ही पड़ेगा, राइट। तो सीपीसी ने क्या नारा लगाया, सीपीसी का नारा एम्प्लॉयज को फाइनेंस दो। ठीक है, सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सी फॉर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, एम्प्लॉय यहां ध्यान रखना, चेंजेस इन इन्वेंट्री जब भी आएगा, इट इज इन्वेंट्री ऑफ WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, देन एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस मतलब फाइनेंस कॉस्ट, डी मतलब डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड ओ मीन्स अदर एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर, ध्यान में रहेगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो नेट परचेजेस हमने फिनिश गुड्स खरीदा है सेल आउट करने के लिए, और नेट परचेज का मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। इज इट क्लियर, एंड वंस वी फाइंड आउट द टोटल इनकम, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो पार्ट टू ऑफ शेड्यूल थ्री में ऐसे तो बहुत कुछ है, उसके बाद में होता है, ये आता है तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्सेप्शनल आइटम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बट ये सब अपने को नहीं सीखने का है 12th लेवल में। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस करेगा, वी विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना ही रेलिवेंसी है आप लोगों के लिए, इज इट क्लियर, किसी को कोई तकलीफ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पार्ट में। ठीक है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।